हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजियो हीलिंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपर आर्म का एक मसल्स जो डेल्टॉइड मसल्स। ये एक मेन मसल्स है हमारा अपर आर्म का। थ्री हेडेड मसल्स है तो आज हम उसको पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। आज हम देखेंगे डेल्टॉइड मसल्स, तो उसमें से क्या क्या मसल्स का ओरिजिन है। ये थ्री हेडेड मसल्स है, उसका थ्री हेड है, तीन जगह से ये ओरिजिन हुआ है। तो इसका इंसर्शन देखेंगे, कहाँ से कहाँ तक मसल्स हैं। देन उसका ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, कौन सा आर्टरी उसको सप्लाई देता है, ब्लड सप्लाई देता है, कौन सा नर्व उसको सप्लाई देता है, और ये मसल्स का एक्शन, ये हमारा बॉडी में क्या एक्शन करता है। तो हम देखेंगे डेल्टॉइड मसल्स, उसका ओरिजिन फर्स्ट पार्ट क्या, कहाँ से ओरिजिन हुआ है। एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लैटरल वन थर्ड ऑफ द क्लाविकल, एक पार्ट क्लाविकल से ओरिजिन हुआ है और एक पार्ट लैटरल बॉर्डर ऑफ एक्रूमियन वेयर फोर सेप्टा ऑफ ओरिजिन आर अटैच। देन लोअर लिप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन ऑफ स्कापुला। डेल्टॉइड का ओरिजिन थ्री पार्ट से हुआ है, एक क्लाविकल से हुआ है, देन और एक हेड एक्रूमियन प्रोसेस से हुआ है, लैटरल बॉर्डर ऑफ एक्रूमियन प्रोसेस, देन और एक है स्पाइन ऑफ स्कापुला से। देन उसका मसल्स का इंसर्शन कहाँ हुआ है। डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरस वेयर थ्री सेप्टा ऑफ द इंसर्शन आर अटैच। तो डेल्टॉइड मसल्स का इंसर्शन कहाँ हुआ है, ह्यूमरस का, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी में। देन उसका हम देखेंगे ब्लड सप्लाई, उसको कौन सा आर्टरी सप्लाई कर रहा है ब्लड। इसमें से पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ये था ना एक ऑक्सिलरी आर्टरी का एक ब्रांचेस था, जो हमारा ऑक्सिलरी आर्टरी का वीडियो नहीं दिखाया है वो प्लीज़ जाके उसको देख के आए। देन अब हम जाएंगे उसका नर्व सप्लाई, कौन सा नर्व उसको सप्लाई करता है। डेल्टॉइड मसल्स को ऑक्सिलरी नर्व, जिसका रूट नर्व नर्व रूट है C5 एंड C6। देन डेल्टॉइड मसल्स हमारा बॉडी में क्या एक्शन करता है, हमारा बॉडी कौन से ऑर्गन को फंक्शन करता है और कौन से पार्ट, कौन सा मसल्स को एक्टिव करता है और क्या क्या एक्शन करता है। उसका एक्शन पावरफुल अबडक्टर ऑफ द आर्म, आर्म को अबडक्ट करता है मिड लाइन से। ये रहा मिड लाइन, ये रहा हमारा आर्म, तो इसको अबडक्ट करता है, उठा के पूरा 0 से 90 डिग्री तक लेता है हमारा आर्म को। देन एंटीरियर फाइबर आर फ्लेक्शन ऑफ द मेडियल रोटेशन ऑफ आर्म, फ्लेक्शन एंड मेडियल रोटेशन। फ्लेक्शन मतलब आगे की तरफ लेता है हमारा ये हाथ, आगे की तरफ जाता है, उसको फ्लेक्शन ऑफ द आर्म बोलता है। देन पोस्टीरियर फाइबर क्या करता है, उसका थ्री फाइबर है, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लैटरल फाइबर। तो हमारा पोस्टीरियर फाइबर एक्सटेंशन एंड लैटरल रोटेशन ऑफ आर्म, एक्सटेंशन ऑफ आर्म करता है। तो ये रहा डेल्टॉइड मसल्स, इसका एंटीरियर फाइबर, पोस्टीरियर फाइबर एंड और एक है लैटरल फाइबर। ये देखो फर्स्ट पार्ट क्लाविकल से ये हुआ है ओरिजिन, देन एक्रूमियन प्रोसेस, देन स्पाइन ऑफ स्कापुला। इसका इंसर्शन कहाँ हुआ है, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। इसके अंदर ये जिस ये थ्री हेडेड मसल्स है, इसलिए इसके अंदर इंट्रामस्कुलर सेप्टम है, ये जो इंट्रामस्कुलर सेप्टम इसको बोलते हैं। मल्टीपिनेट फाइबर्स मतलब मल्टी हेडेड मसल्स है ना, इसलिए मल्टीपिनेट फाइबर्स ही इसके अंदर है। तो ये रहा डेल्टॉइड मसल्स। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।